नमस्कार मेरे प्रिय किसान भाइयों, आप सभी का हमारे विमल हाईटेक एग्री प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। तो क्यों ना आपके लिए मैं आज एक अच्छी सी जानकारी लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि राजस्थान में इस बार हुई अच्छी खासी बारिश, इसे नुकसान भी हुआ है कहीं कहीं जगह, लेकिन आने वाली जो सीजन है रबी का, उसमें किसान बढ़ चढ़ कर रबी की बुआई करेंगे और किसानों के सामने कुछ समस्याएँ भी रहती है। वो एक मुख्य समस्या होती है खाद, जिसे आप उर्वरक बोलते हो, उसको लेके। तो एक सरकार की पहल है, उसको मैं आप लोगों तक साझा कर रहा हूँ कि DAP के स्थान पर आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट प्लस यूरिया का उपयोग करना है। वो कैसे, इससे क्या फायदे होंगे आपको और किसान को किस तरह आर्थिक उससे फायदा होगा और फसल को उससे क्या बेनिफिट होने वाला है, तो जुड़िए। आप सभी को फिर से राम राम, स्वागत। DAP के स्थान पर किसान भाइयों सिंगल सुपर फॉस्फेट प्लस यूरिया का उपयोग अपने को करना है, क्योंकि इस बार बुआई एरिया बढ़ चुका है, तो DAP की जितनी मांग होगी उतना शायद उपलब्ध हो या ना हो। क्या ध्यान रखिए, DAP के स्थान पर आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट का उपयोग करना है। किन बातों का आपको ध्यान रखना है, आप DAP के एक बैग के स्थान पर आप 3 बैग SSP यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट प्लस 1 बैग यूरिया का उपयोग बुआई के समय करना है। सपोज आप कहीं पर भी गेहूँ रबी में, दलहन में, किसी भी जगह अगर आप 1 बैग DAP दे रहे हो, तो उस स्थान पर आपको क्या देना है, 3 बैग सिंगल सुपर फॉस्फेट प्लस 1 बैग यूरिया का देना है। क्योंकि DAP के स्थान पर सिंगल सुपर फॉस्फेट देने से आपको वहाँ पे आवश्यक पोषक तत्वों के अलावा, जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, सल्फर, जिंक, बोरोन, वो सब SSP में मिल जाता है, इसलिए फसल को और ज़्यादा बेनिफिट होता है। रही बात तिलहन, जैसे कि सरसों वाली फसल में आप DAP के स्थान पर तो जरूर SSP दें, क्योंकि सल्फर जैसी कंटेंट वहाँ पे मिल जाता है, तो तिलहनी वालों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए और उसमें चमक लाने के लिए सल्फर अति आवश्यक है, तो सिंगल सुपर फॉस्फेट सरसों के लिए इज बेस्ट उर्वरक माना जाता है। 3 बैग सिंगल सुपर फॉस्फेट प्लस 1 बैग यूरिया का पोषक तत्वों की लागत, इनकी कहीं आपका बैग 2200 रुपये का DAP का बैग आता है DAP खाद का, तो वहीं आपको ये 1600-1700 में आपको SSP के 3 बैग प्लस यूरिया मिल जाता है। इस तरह आपको एक आर्थिक फायदा भी यहाँ पे मिल जाता है। रही बात भूमि की उर्वरकता उसकी जो कि NPK का संतुलन है, वो भी DAP से थोड़ा बिगड़ा हुआ है, अगर वहीं आप पर SSP का यूज करते हैं तो वो संतुलन भी बना रहेगा। इसलिए हम सिफारिश करते हैं कि मृदा की उर्वरक शक्ति को बनाए रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्व NPK का अनुपात को 4:2 बनाए रखने हैं, तो DAP के स्थान पर SSP प्लस यूरिया देना है। इसके अलावा NPK में कॉम्प्लेक्स उर्वरक, जैसे ग्रेड, अलग अलग ग्रेड की SSP आते हैं या अलग अलग ग्रेड में NPK आते हैं, जैसे 12-32-16 आता है, 20-20-03-13 आता है, 19-19 आता है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उसको भी आप DAP के स्थान पर यूज कर सकते हैं। इससे आपकी फसल भी अच्छी होगी, पैदावार में बढ़ोतरी होगी, साथ ही मिट्टी भी आपकी अच्छी खासी उपजाऊ बनी रहेगी। साथ में किसान भाइयों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि वर्तमान में जैसे कार्बनिक खादें हैं भूमि के लिए चाहिए, कार्बनिक खाद आजकल गोबर की खाद से आप वर्मी कंपोस्ट बनाकर उसको खेत में मिला दें, उससे भी फसल की अच्छी खासी पैदावार में बढ़ोतरी होती है और मिट्टी भी अच्छी बनी रहती है और 3 साल तक वो काम करती है। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।